हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मस्ट। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बॉलीवुड के बहुत ऐसे कलाकार हैं जो अपनी धमाकेदार शुरुआत कर मानो पर्दे से गायब हो गए। इनमें कई अभिनेत्रियां भी शामिल हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर शानदार शुरुआत की और फिर एक दो फिल्मों के बाद किसी फिल्म में नजर नहीं आई। उन्हीं में से एक फिल्म थी ये दिल आशिकाना, जी हाँ, जिसमें की अभिनेत्री जीविता शर्मा लाइमलाइट में आई थी। जीविता शर्मा ने इस फिल्म में काफी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म ये दिल आशिकाना में जीविता शर्मा के साथ अभिनेता करण नाथ मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद भी किया गया। बता दें कि जीविता शर्मा एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में काफी व्यस्त रहती हैं। जीविता शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्मों से की थी। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया जिसमें कि लाल और ये दिल आशिकाना मुख्य फिल्में थी। उस वक्त जीविता शर्मा की खूबसूरती की काफी तारीफ की जाती थी। फिल्मों से दूर होने के बाद अब जीविता शर्मा का लुक काफी बदल गया है, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा हॉट और ग्लैमरस भी दिखती हैं। उनकी लेटेस्ट फोटो से उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बता दें कि आज भी वो बहुत से अभिनेत्रियों को मात देती हैं। जीविता शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अपने फैन से अक्सर अपनी तस्वीरों और वीडियोस को शेयर करती हैं, जिसे काफी पसंद भी किया जाता है। दोस्तों जीविता शर्मा ने फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल्स में भी एक्टिंग की है, लेकिन लंबे वक्त से अब वो दोनों जगहों से दूर है और अपनी पर्सनल लाइफ में व्यस्त है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी जीविता शर्मा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।